दोस्तों अगर आप लोग हमारे पहले से पुराने व्यूअर्स हैं तो दोस्तों ये वीडियो तो आपने जरूर देखे होंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाते ही कई सारे दोस्तों का कमेंट आया, भाई इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपने रिव्यू दिए हैं, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं अनबॉक्सिंग वीडियो, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और दोस्तों ये फोन जो है रेडमी की तरफ से है, जो कि एक्समी 11 आई है। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन है, इसका कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, गेमिंग के लिए भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो चलिए पहले इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके पूरी के पूरी रिव्यू भी देने वाले हैं, किस तरह का फोन है, कैसा फोन रहेगा, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइड आप बाद में कर लीजिएगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग वीडियो पहले देख लेते हैं। तो भाई देख पा रहे हैं हमारा बॉक्स यहाँ पे है, और दोस्तों चलिए चारों तरफ से पहले देख लेते हैं, उसके बाद अनबॉक्स करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम प्लास्टिक भी अभी तक नहीं निकाले हुए हैं, जैसे ही आए हुए हैं तो हम आप लोगों के सामने डायरेक्टली अनबॉक्स करने वाले हैं। देख पा रहे हैं 6GB 128GB में हमारे पास अवेलेबल है, और दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इनका जो प्लास्टिक हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो प्लास्टिक निकल रहा है, यार बहुत ज़्यादा तगड़ा प्लास्टिक दिया हुआ है यार, कट नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं दोबारा से। तो चलिए हमारा जो है प्लास्टिक जो एक साइड से कट हो चुका है, और दोस्तों जब एक साइड से कट हो चुका है तो चारों तरफ से निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा तगड़ा है यार, चलिए निकल चुका है। निकलने के बाद चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे किस तरह का बॉक्स है। यहाँ पे आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा क्योंकि दोस्तों हमारे पास लाइटिंग की प्रॉब्लम है, फ्लैश जला के हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम कट लगाने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से कट लगा लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा कट हो चुका है, और चलिए अब देखने वाले असली मज़ा अब आएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, यार बहुत ज़्यादा उत्सुक है हम इसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे एक देख पा रहे हैं एक मिनी बॉक्स निकल के आ चुका है हाथ में। तो चलिए मिनी बॉक्स को पहले ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सिम इंजेक्टर आपको मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पेपर वगैरह लगता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो चलिए इसे हटाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक कवर, यार बैक कवर पहले चलिए निकाल लिए, और देख पा रहे हैं जब बैक कवर ऐसा है तो फोन कैसा होगा। चलिए पहले इसे हटाते हैं और फोन को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और भी क्या चीज़ आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यार ये कलर जो है ना बहुत ज़्यादा हमें तगड़ा लगा, जो कि हमने पहले भी वीडियो बनाए थे तो इसी कलर में आपको रिव्यू भी दिए हुए थे। खैर इनका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड में कुछ भी नहीं मिलता है, और चलिए राइट साइड में देखते हैं। राइट साइड में यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है, पावर बटन मिल जाता है, और पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और स्पीकर दोनों साइड आपको मिलता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे चार्जिंग टेप सी मिल जाता है, और दोस्तों नीचे के साइड आपका सिम कार्ड पोर्ट मिल जाता है। तो चलिए पहले फोन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट फोन है, बहुत आसानी से हाथों में आ जाता है। और दोस्तों बैक साइड की लुक की बात करें ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा तगड़ा लुक दे रहा है यार, कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा देने वाला है। तो चलिए बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था एक 67 वाट का चार्जर, यहाँ पे देख पा रहे हैं 67 वाट का चार्जर हमारे पास आ चुका है। दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़ा चार्जर है दोस्तों, जो कि आपको 25 से 30 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर देगा, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइप सी डाटा केबल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने हमने लाइव जो कि देख ही लिए कि आप लोगों के सामने पूरा का पूरा बॉक्स को ओपन कर दिया, फोन हमारा निकल चुका, चार्जर भी निकल गया, बैक कवर भी आपको मिल गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फोन के बारे में, फोन किस तरह का है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इनका डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का आपको फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो की बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। दोस्तों AMOLED डिस्प्ले में चार्जिंग भी बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है। और दोस्तों इसका रिफ्रेश रेट की बात करें तो रिफ्रेश रेट 120Hz का आपको मिलने वाला है। और कैमरा की बात करें, फ्रंट साइड कैमरा आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड भी होने वाला है। तो चलिए बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड में कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको बैक साइड का रियल कैमरा आपको मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल का, और सेकेंड कैमरा मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा मिलने वाला है 2 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाला है। और दोस्तों साथ ही फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाता है, और दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्ड भी बहुत आसानी से कर पाइएगा, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं होने वाला है। और दोस्तों रैम की बात करें तो रैम आपको दो मिलने वाला है, यहाँ पे एक में आपको मिलेगा 6GB, जैसा कि आपने देखे हमारे पास 6GB 128GB में था, लेकिन दोस्तों अगर 8GB में भी आप लेना चाहते हैं तो 8GB में भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की, तो बैटरी आपको 5160mAh का मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और 67 वाट का चार्जर आपने देख लिया कि चार्जर जो है बहुत ज्यादा तगड़ा हमें मिल चुका है। और दोस्तों इसका मोटापा की बात करें, यानी कि ये जो मोटापा है तो दोस्तों इसका मोटापा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पीस है, 1.3 mm आपको मोटापा मिलने वाला। और दोस्तों वेट की बात करें तो आपको
207 ग्राम आपको जो है वेट मिलने वाला, यानी कि वजन। तो दोस्तों ये फोन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है हमें लगा, और दोस्तों हम आप लोगों को पहले रिव्यू भी दिए थे, आप लोगों के सामने अनबॉक्स भी कर दिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।